सर महेश महेश लाइट के महेश के पास है, मेरे पास नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। वो इतना क्लियर नहीं क्योंकि ये एज फैक्टर है, मैं 84 इयर्स के हूँ, इसलिए मेरे कुछ चीज़ ऐसा ही डेवलप हुआ है अंदर। मुझे बोलने में थोड़ा सा रुकावट आता है, सुनने में भी रुकावट आता है, तो मैं बोल तो नहीं पाता, बाकी एक जो मैं बोलना चाहता हूँ वो एक लिख करके लाया हूँ, तो आप लोगों के सामने में पढ़ के सुनाऊँगा। उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हो सकता है कि मैं उड़ीसा का हूँ, मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी जो भी हो सके मैं लिख करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। उपस्थित सज्जनों, इस समारोह में उपस्थित आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे माता पिता तथा प्रभु के आशीर्वाद से मैं गौर हरिदास उड़ीसा के रहने वाला आप लोगों के सम्मुख उपस्थित रहने का जो दुस्साहस किया यह सौभाग्य की बात है। मैं इस प्रकार के सभा सम्मेलन वगैरह का अनेक बार आयोजन कर चुका हूँ। मैं स्वयं पूज्य बापूजी के साथ बानर सेना के हैसियत से पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण सभा में एक ही बार सम्मिलित हुआ था, मगर अन्य क्षेत्र में मैं पंडित जवाहरलाल जी, पूज्य विनोबा जी, श्री मुरारजी देसाई तब के गवर्नर, शायद आप लोग किसी को मालूम नहीं होगा कि ये गवर्नर उस समय थे, श्री हरकृष्ण मेहताब जो उड़ीसा के ही थे और मेरे पिताजी के सहकर्मी थे, उनसे मुलाकात माटुंगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी में हुई। इसके अलावा मुझे विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ काम करने का मौका मिला, परंतु मैं उन सबके इन्फ्लुएंस का कभी भी गैरफायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र अनिल विजेटीआई माटुंगा में स्वतंत्र सैनिक के कोटा से एडमिशन के लिए प्रार्थी था, उसे यह पूछा गया कि क्या आपके पिता सचमुच स्वतंत्र सैनिक थे, उसका कोई शासकीय प्रमाण भी है, कोई एविडेंस कुछ है क्या जिसे हम मान सके कि आपके पिता स्वतंत्र सैनिक थे। मुझे यह बात बहुत ही असामान्य लगा और मैं वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया, परंतु बरसों अथक कोशिश करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं आया। अंततः मेरे एक मित्र श्री राजीव सिंघल, जो कि मेरे बिल्डिंग में रहते हैं और वे मेरे परेशानी से अवगत थे, उनके सक्रिय प्रयास से मेरा परिचय मीडिया से हुआ तथा इस प्रभाव में मेरे मदद के लिए कईयों ने हाथ बटाया। उनमें से श्री गोपाल शेट्टी जो एक्स एमएलए थे, सीनियर एडवोकेट श्री किशोर जोशी तथा एनजीओ एक्टिविस्ट श्री मोहन कृष्णन का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार के माहौल में मेरा आपबीती को श्री सुधीर सूर्यवंशी जी ने अंग्रेजी पत्रिका मुंबई मिरर में प्रकाशित किया। निर्देशक श्री अनंत महादेवन जी उस पत्रिका के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और तभी से उन्होंने मन बनाया कि इस प्रकरण को एक छायाचित्र के रूप में गौरहरि दास्तान के नाम से प्रस्तुत किया जाए।
उस विचार को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए श्रीमती बिंदिया खालुनकर तथा उनके पति श्री सचिन खालुनकर, अनंत महादेवन जी और उनके सहकर्मियों ने एकत्रित एवं सुनियोजित प्रयास से छायाचित्र गौरहरी दास्तान इस कदर प्रस्तुत की जो देश विदेश में सफलता के बाद अब 14 अगस्त को भारत में रिलीज हो रहा है। आशा आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे और आने वाले युवा पीढ़ी को नया मार्गदर्शन दिलाने में सहयोग करेंगे। मेरा दुख इस बात का है कि जो काम 32 साल के बाद हुआ वो काम 32 साल पहले भी हो सकता था। काम में विलंब, विचारों में अपरिपक्वता तथा स्वार्थ मनोवृत्ति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। मेरा उद्देश्य यह कतई नहीं है कि मुझे जो पेंशन आज मिलता है वो 32 साल पहले से मिलना चाहिए था। आज भी मेरा पेंशन का 60-80% राशि अनुदान में जाता है, मैंने चैरिटी में देता हूँ मैं, जिसके अंदर कुछ गरीब लड़के हैं जो बीमार हैं और वो कैंसर वगैरह में से लड़ते हैं, उनको घर में इतना पैसा नहीं होता है, कितना लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा जनरल कंट्रीब्यूशन करके मैं उन लोगों की थोड़ा सा मदद करता हूँ, छोटा सा मदद। इस संघर्ष में पेंशन का कोई कल्पना या अंदाज भी नहीं था। अंत में मैं आप सभी संपादक, पत्रकार तथा जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग समाज को इस प्रकार प्रेरणा दें जिससे सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास और परिवर्तन हो। अंत में GHD टीम के सभी सदस्यों को, जिन्होंने अनेक प्रकार का उतार चढ़ाव से गुजरकर इस छायाचित्र को प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया, मैं उन सबको शुक्रगुजार हूँ और यहाँ यह समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय भारत। ये तो मैं एकदम संक्षेप में बताया, एकदम संक्षेप में। जब कभी अनंत जी मेरे साथ बैठते हैं हमारे घर में, तो कभी कभी बात बात में कुछ बात ऐसा निकल जाता है जो उनको बहुत जच जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ आप पहले क्यों हमको नहीं बताया, तो मैं ये फिल्म में डालता था। तो कई चीज़ें ऐसा आया है जो कि मैं कहा नहीं या कहने का मौका नहीं, और मैं जो लिखा भी है जो उसके अंदर भी उसका जिक्र नहीं हुआ है। अभी अभी मुझे एक भाई को, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका जीवन का कुछ इम्पोर्टेंट किस्सा बताइए। तो मैंने कहा एक किस्सा एक से क्या होगा, ऐसा तो बहुत सारे किस्से हैं, पर मैं एक किस्सा आपको बता करके आपका समय भी बिगाड़ूंगा नहीं कि मैं भी परेशान नहीं होगा। आपको अगर चाहिए तो फुर्सत से आइए, मैं आपको सारे फाइल बता करके दे दूंगा। तो वो लोग थोड़ा सा नाराज़ तो हुए, बाकी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा ये महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक सपोर्ट लिया भी। तो नहीं 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 नहीं, नो नो नो, जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं इतना कह करके समाप्त करता हूँ। आशा है आप सभी लोग इसको सुनेंगे या इसको पालन करेंगे। मेरा जो इच्छा है कि भाई ये चीज हर जगह, खास कर जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के मन में, उनको कुछ प्रोत्साहित करें, इस तरह का एक प्रेरणा दें, तो मुझे बहुत खुशी होगी और देश भी सुधरने के लिए भी काफ़ी काफ़ी आगे आएगा। आज जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसमें मैं सोचता हूँ उसके लिए हम जैसे लोग हैं दोषी हैं, क्योंकि हम उसको सह जाते हैं। कभी कुछ ऐसा वाकया आता है, हम सहन कर लेते हैं, उसका कोई भी निराकरण या तो ये करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं भाई ठीक है, जाने दो ना, अभी ऐसा होता है होने दो। पर ये चीज़ें काम नहीं बनते, हमको डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं जैसे
ये स्वतंत्रता संग्राम एक सम्मान पत्र के लिए इतना कोशिश किया, मैं अगर बीच में अगर छूट जाता था तो कुछ नहीं बनता था। ये आज देश के सामने एक मिसाल है कि भाई एक आदमी इतने कोशिश करने के बाद उसको ये परिणाम मिला है। तो परिणाम के लिए कोशिश करना जरूरी है, और उसके लिए हमारे मनोबल जो है ऊंचा होना चाहिए, मन में एक सुदृढ़ भावना होना चाहिए कि भाई हम लोग को कुछ करना है। हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, बाकी दूसरों के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना हम लोग का एक मॉरल ड्यूटी है। तो ये सारे चीज़ जो ये जो है, ये पिक्चर में आपको उसका एक झलक मिलेगा। तो उसको लेकर के आप सब लोग यही तमन्ना लेकर के जाएं कि भाई ये चीज़ को हम लोग इसका प्रचार करेंगे, इसको प्रसार करेंगे। बस For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.